दोस्तों, अगर आपने ग्रैनी हॉरर स्टोरी का पार्ट 1, 2 और 3 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा, ये सब लोग दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। तभी यहाँ राजू आ जाता है कि ग्रैनी यहाँ पे कभी भी आ सकती है। बुल्ली कहते हैं कि ये दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा है, हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, और ये लोग ऊपर चले जाते हैं। तभी यहाँ इविल नन आ जाती है और ग्रैनी और इविल नन शॉन को देख लेते हैं, और इधर ये लोग शॉन को ढूंढने लगते हैं, और ये दोनों शॉन को पकाने की तैयारी में लगे हुए थे। तभी इविल नन इन लोगों को देख लेती है। चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। तभी इविल नन फौरन ग्रैनी को आवाज़ लगा के कहती है कि ग्रैनी, मुझे सभी इंसान मिल गए हैं, जल्दी आ जाओ नीचे। और इविल नन की आवाज़ ये लोग भी सुन लेते हैं। इविल नन कहती है कि भागने की कोशिश मत करना, मेरे होते हुए तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो, तुम सब वहीं रुक जाओ। और अब ग्रैनी नीचे आ जाती है और इविल नन से कहती है कि इविल नन, कहाँ हैं वो लोग, जल्दी बताओ। अरे ग्रैनी, वो सब मेरी आंखों के सामने से भाग गए, उधर भागे हैं वो सब। ग्रैनी कहती है कि तुमने उनको पकड़ा क्यों नहीं, ऐसी गलती कैसे हो गई तुमसे। इविल नन कहती है कि अरे ग्रैनी, मैंने तो ये वाला रास्ता बंद कर दिया था, लेकिन वो दूसरी तरफ से भाग गए। ग्रैनी कहती है कि चलो उनको ढूंढने चलते हैं। और इधर ये तीनों डर के मारे छिपे हुए हैं। गुल्ली कहता है कि शॉन तो मिल नहीं रहा है, और तो और अब ग्रैनी और इविल नन भी हमारे पीछे पड़ गए हैं, इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। बुल्ली कहता है कि हम तो बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं, ये शॉन भी पता नहीं कहाँ लापता है, तुम दोनों को कुछ समझ में आ रहा है क्या। राजू कहता है कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, हमें शॉन के लिए वापस बाहर चलना चाहिए क्या। गुल्ली कहता है कि क्यों ना हम जाके बाबा से मदद मांगे, वो अगर यहाँ पे आ गए तो हमारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। बुल्ली कहता है कि लेकिन गुल्ली, दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा था। राजू कहता है कि मुझे लगता है कि इस बार दरवाज़ा खुल सकता है, क्योंकि ग्रैनी ने इविल नन के लिए दरवाज़ा तो खोला ही होगा, चलो दोबारा चल के ट्राई करते हैं, बस उम्मीद करना कि कोई हमें देखे ना। गुल्ली कहता है कि लेकिन हम सभी गए तो क्या पता वो दोनों मिलके शॉन को मार दें, इसलिए हम में से एक ही बाबा के पास जाएगा। बुल्ली, तुम जाना बाबा के पास, हम यहाँ पे शॉन को ढूंढेंगे। और ये लोग दरवाजे पे आ जाते हैं और बुल्ली दरवाजे को धक्का देने वाला है। अरे ये दरवाज़ा तो धक्का लगते ही टूट गया, लेकिन दरवाज़ा टूटने की आवाज़ तो ग्रैनी और इविल नन ने भी सुन ली, और ये दोनों दौड़ते हुए इधर ही आने लगते हैं, और इन दोनों को देख के ये लोग फौरन भागने लगते हैं। इविल नन गुल्ली और राजू के पीछे चली गई और ग्रैनी बुल्ली के पीछे है। बुल्ली गाड़ी में बैठते यहाँ से जाने लगता है और ग्रैनी इसको देखती रह गई, लेकिन अब ये घर में जाने लगी, लगता है कि अब ये गुल्ली और राजू को अपना शिकार बनाएगी। कुछ देर में बुल्ली बाबा के घर आ जाता है और बाबा को बुलाता है, लेकिन शायद बाबा तो यहाँ पे हैं ही नहीं। कुछ देर तक यहीं पे इंतज़ार करने के बाद बाबा लोटा लेकर आते हुए दिखाई देते हैं। बाबा बुल्ली को देख के हैरान रह जाते हैं। बाबा कहते हैं कि बुल्ली, इस टाइम पे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बुल्ली कहता है कि बाबा, हमारे दोस्त राजू को ग्रैनी ने पकड़ लिया था, उसको हम लेने गए तो वहाँ पे इविल नन भी थी, और उन दोनों ने हमें दौड़ा दिया था, मैं तो बच के आ गया, लेकिन ग्रैनी और इविल नन राजू और गुल्ली के पीछे हैं, आप चलो जल्दी मेरे साथ। बाबा कहते हैं कि तो बुल्ली, बातों में समय बर्बाद मत करो, चलो चलते हैं। अरे इन लोगों की तो हालत खराब लग रही है, इनको तो घेर लिया गया है। गुल्ली कहता है कि राजू, इनको जितनी देर हो सके उतनी देर अपनी बातों में उलझाए रखो, बाबा और बुल्ली हमें बचाने आते ही होंगे। राजू कहता है कि गुल्ली, तुम चिंता मत करो, मैं बातों में उलझाने में माहिर हूँ, बस देखो मेरा कमाल। बुल्ली कहता है कि रहने दो राजू, इतनी बातें काफ़ी हैं, इनको और उलझाने की ज़रूरत नहीं है। ग्रैनी कहती है कि इविल नन, तुम जाके आग लगा दो, मैं इन दोनों को लेके आती हूँ। इविल नन कहती है कि लेकिन ग्रैनी, मैं आग लगाऊँ कहाँ पे। अरे वहीं पे जहाँ पे एक और इंसान को हमने रखा है, वहीं पे लगा दो आग, जल्दी जाओ अब। और अब बुल्ली भी बाबा के साथ यहाँ पे आ जाता है। बुल्ली कहते हैं कि बाबा, यही है वो घर,
जहाँ पे गुल्ली, राजू और शॉन हैं। ठीक है बुल्ली, चलो चलते हैं। और इस घर के सामने आके बाबा ग्रैनी और इविलन को आवाज़ लगाते हैं। ग्रैनी इविलन से कहती है कि इविलन जाके ज़रा देखो तो, ये कौन है जो अपनी मौत को दावत दे रहा है। इविलन बाहर आने लगती है और बाहर आके देखती है तो ये हैरान रह जाती है और ग्रैनी को आवाज़ लगा के कहती है कि अरे ग्रैनी, यहाँ पे तो दो और इंसान हैं। ग्रैनी कहती है कि तो उनको भी ले आओ, हफ्ते भर पार्टी करेंगे हम। इविलन बाबा की ओर दौड़ लगा देती है लेकिन बाबा इससे बच जाते हैं। इविलन तो नीचे गिर गई है और अब लगता है कि बाबा इस पे हमला करेंगे। अरे बाबा ने तो इविलन का पापड़ बना दिया। बुल्ली कहता है कि बाबा आप तो कमाल हो, अब बस ग्रैनी बाकी है, उसको भी सबक सिखा दो। और इधर ग्रैनी इविलन को आवाज़ लगाती है लेकिन जब इसको कोई जवाब नहीं मिलता है तो ये बाहर आती है और यहाँ पे तो बुल्ली डांस कर रहा है। ग्रैनी बुल्ली को डांस करता देख बहुत गुस्से में आ जाती है और इससे कहती है कि इविलन कहाँ है, शायद इसको पापड़ जैसी इविलन दिखाई नहीं दे रही है। और तभी बाबा इसको तलवार मार देते हैं। इसका मतलब बुल्ली का डांस करना इनकी साजिश थी। अब इविलन और ग्रैनी दोनों मारे गए हैं। तभी गुल्ली और राजू भी बाहर आ जाते हैं। गुल्ली कहता है कि अरे वाह बाबा, आपने इन दोनों को मार दिया। बाबा कहते हैं कि लेकिन तुम दोनों के साथ शॉन क्यों नहीं आया है, वो भी तो यहीं था ना। राजू कहता है कि बाबा, हमने इन दोनों को बातें करते हुए सुना था कि इन लोगों ने शॉन को कहीं पकाने के लिए रखा है, लेकिन वो जगह कहाँ ये हमें नहीं पता है। बाबा कहते हैं तो चलो चल के ढूंढते हैं शॉन को। तभी गुल्ली को शॉन टब में पड़ा हुआ मिल जाता है और ये सभी लोगों को आवाज़ लगाता है और ये लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं। बाबा कहते हैं कि अरे शॉन तो टब में ही सो रहा है, ये तो कमाल का सोने वाला इंसान निकला। और अब ये लोग शॉन को घर लेते चले जाएंगे। लेकिन आपको ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बता दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।